वेलकम बैक टू माई चैनल स्माइल विशिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि अभी देखिए, आज है थर्सडे और हमारी शिवू रानी ने येल्लो ब्लू पहन के रेडी हो गई है। और क्या देख रही है हमारी शिवू रानी? क्या देख रही है? टीवी देख रही है। टीवी पे एड आ रहा है तो एड को देख रही है। मैडम एड बहुत पसंद करती है तो अभी मैडम एड देख रही है। और आज जो है थर्सडे, मैंने सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। नहा धो के हम दोनों ही रेडी हो गए। आज शिवू भी, मतलब हमारी शिवी उफ कुहू भी जल्दी टाइम पर उठ गई थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हो गए थे। और बस कुछ नहीं, हमने सोचा कि चलो रेडी हो गए तो हम, डैडी तो चले गए ऑफिस। और जैसे कि आज मेरा फास्ट नहीं है, फास्ट होना चाहिए था बट आज मेरा फास्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नहीं है। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जब फास्ट नहीं है तो हमने सोचा चाय और नमकीन खा लिया जाए, तो हमने चाय और नमकीन को खाया। और अभी फिलहाल जो है शिवी जो है, देखिए कितने ध्यान से देख रही है लड़की मेरी, कितने ध्यान से टीवी देख रही है। ये एड को देखकर भी खुशी रहती है, इनकी मैडम के एड को देखकर भी खुश हो जाती है। तो अभी बस मैं ऐसी बैठी थी, कुछ यूट्यूब देख रही थी, ये देख रही थी, वो देख रही थी, तो बस मुझे ये लगा कि चलो यार हम भी अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। डेली का हमारा जो वर्क है हम भी वही करते हैं। और अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, बात करना, आप लोगों से बातें शेयर करना। देखिए हम होल डे लाइफ तो नहीं दिखाते एग्जैक्टली, मैं बताऊं, मैं तो नहीं दिखाती, मैं बाकियों का नहीं बोल सकती। हो सकता है बहुत लोग दिखाते हो एडिट कर करके, बट मैं पूरे दिन का रूटीन नहीं दिखा पाती। ऑब्वियसली जिनके पास एक छोटा सा बच्चा है वो समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम्स को। और व्हाट हैपेंड, शिवी को आपने कल पापा को वो वाली स्मेल जो दी थी वो वाली दे दो बेटा। मैडम देखो शैम्पू लेकर आ गई हैं वॉशरूम में, नहलाते वक्त हमने सोचा कि इनको डिब्बा पकड़ा देते तो ये आराम से नहा लेती हैं, तो शैम्पू बाहर लेकर आ गई। देखो खुशी, देखो आजकल ये सीखी है मुंह से आवाज निकालना। ओ, 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 किसके सर पे मारोगे बेटा? ओ तो अभी मैं जा रही हूँ, आज जैसे फास्ट नहीं है तो मैं जा रही हूँ पनीर भुर्जी बनाने। और थोड़ी ज्यादा बना लूंगी, शाम की भी वही काम आ जाएगी। और शाम को उसके साथ दाल बना दूंगी तो दाल रोटी और पनीर भुर्जी हो जाएगी। और अभी मैं पनीर भुर्जी और पराठे खा लूंगी तो अभी तो ये कुकिंग करने जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम काट के रख दिया है और यहाँ पे ऑयल, सरसों का तेल ले लिया है जो कि, तो गाइस ये देखिए मैंने जीरा के बाद डाल दिया तो अब मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाएगा, क्रिस्पी इन द सेंस कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन। देन उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी, उससे पहले मैं कैप्सिकम डालूंगी क्योंकि कैप्सिकम जो है वो पानी उतना नहीं छोड़ता। और यहाँ पे एक तरफ चाय और दूध गर्म हो गया है, चाय रख दी है बनाने के लिए और दूध गर्म हो गया है। और ये कैप्सिकम जो है डालने के बाद ये दोनों क्रंची हो जाएगा क्योंकि टमाटर पहले डाल देते तो वो टमाटर पानी छोड़ देता, फिर वो क्रंची जो है गोल्डन ब्राउन प्याज नहीं हो पाती। तो दोनों को एक ही स्टेज पर मैं छोड़ दूंगी और उसके बाद ये देखिए मैंने डाल दिया अच्छे से मिक्स करके। और अब मैं इसे ढक के रख दूंगी दो, मतलब कुछ सेकंड के लिए रखूंगी, ऐसा नहीं 30-40 सेकंड के लिए बस। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब इस स्टेज के बाद मैं टमाटर इसमें मिक्स कर रही हूँ, टमाटर डालने के बाद। और अच्छी तरीके से टमाटर जब तक अच्छे से गल नहीं जाते तब तक मैं उसको ऐसे ढक के रखूंगी। एक तरफ से चिली फ्लेक्स दिया है क्योंकि लाल मिर्च पाउडर खत्म हो गई थी तो पिज्ज़ा वाली चिली फ्लेक्स रखी थी, वो धनिया पाउडर, हल्दी, बस ये तीन चीज़ रखकर आप यहाँ मसाले से ऑयल जो है वो छोड़ चुका है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। और ये देखिए और अब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं ये पनीर जो मैंने मैश करके रखा था हाथों से उसको मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे बस मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और सब्जी मसाला डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। जो गरम मसाला यूज़ करते हैं वो गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सब्जी मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। और यहाँ पे मेरी ये सब, तो गाइस ये रहा पराठे और पनीर भुर्जी कैप्सिकम के साथ बनाइए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी था। मैं आप लोगों से बोलूँगी आप लोग एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है रियल में। और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कैसी बनी टेस्ट करके। अभी मैं जा रही हूँ एंजॉय। गाइस खाना हो गया है
और बस लंच हो गया है, पराठे और पनीर की सब्जी। आज मैंने कैप्सिकम डाल के बनाई थी पनीर भुर्जी, अच्छी लगी, बहुत टेस्टी लगी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैंने उनको उसकी फोटो भेजी तो पता क्या कहते हैं, मैडम मेरे लिए रखी है। मैंने कहा हाँ भाई, शाम को आपके लिए पनीर भुर्जी एक कटोरी काफी, हम दो लोगों के लिए काफी बन जाती है। तो मैंने कहा पनीर भुर्जी रखी है, रात में दाल बना लूंगी, अरहर की दाल और रोटी, तो खाना पूरा हो जाएगा। चावल तो रात में इतनी जरूरत नहीं है। अभी मैंने पराठे बनाए थे, तो शिवी को जो है अभी आज क्या खिलाना है, दलिया रखी है, तो मैं दलिया खिला दूंगी शिवी को, दलिया खिचड़ी और हींग डाल के और नॉर्मल तड़का देकर, बस और कुछ नहीं, शिवी के लिए यही बना दूंगी, तो वो खा लेगी। नमकीन खिचड़ी खा लेती है वो, मीठा मतलब कभी खा लेती कभी नहीं खा लेती। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, तो चलिए पहले मैं बात कर लेती हूँ, बैठ के बात करती हूँ। तो गाइस हाँ, मैं आप लोगों से जो बात करना चाह रही थी, ये बात थी कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इंस्टा पे बहुत टाइम से मुझसे बात कर रही हैं, बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं, इंस्टा पे मुझसे बहुत से लोग जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं एक को बोलना चाहूंगी, आई एम सो सॉरी, शिखा गोयल जी को सॉरी, वो शायद मेरी बात का बुरा मान गई या जो भी है, क्योंकि वो भी शिवी को शायद गिफ्ट करना चाहती थी कुछ, और उन्होंने कुछ टाइम पहले कुछ बोला होगा, शायद मैंने उतना गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने कल जब वो वीडियो देखा तो उन्होंने कहा हम कैसे दें, और फिर उन्होंने बोला कि आपको पसंद नहीं आया, कि मतलब हम कुछ और ना भेज दें, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसे मैं आपको ये बोल रही हूँ शिखा जी, आप मेरे दिल के वो कुछ लोग हैं जो बहुत करीब है, मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो मेरी लाइव अटेंड करे, चाहे कुछ भी, और मेरी अच्छी सब्सक्राइबर है, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं चाहती ऐसे लोग मुझसे दूर जाएं, मैं जो पॉजिटिव लोग हैं मैं उनको हमेशा उनसे कनेक्ट रहना चाहती हूँ। और रियल में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार आई थिंक मुझसे ही गलती हुई या जो भी हुई, मैंने उनसे फिर यही बोला कि शिवी को आप अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए, बस वही बहुत है हमारे लिए। और आप क्या, मैं आप सभी से बोलती हूँ, शिवी को गिफ्ट से अच्छा है, गिफ्ट तो देखो सपना ने जो दिया, सपना से मेरा पहले से कॉन्टेक्ट था, ऐसा नहीं था सपना से मेरा अभी कॉन्टेक्ट हुआ है, और अभी सपना से मेरा बहुत टाइम से, जब मैं मैं बताऊँ मेरे 10-15-20 सब्सक्राइबर होंगे, या मैंने चैनल जब ओपन किया था मैं लाइव आती थी, तब सबसे सपना जो है मेरे से जो है कनेक्ट है और अभी तक है, और इतनी लॉन्ग टाइम की जो कहते हैं ना दोस्ती, वो कभी ना कभी आपका लगता है ना कि हाँ अब इतना टाइम हम लोग ने एक दूसरे को पहचान लिया है, तो वो वाली बात है। तो शिखा जी आप बिल्कुल भी मुझसे हुई है, मैं आपसे सबके सामने सॉरी बोलती हूँ, प्लीज आप शिवी को बहुत प्यारी ब्लेसिंग दीजिए, इतनी ब्लेसिंग दीजिए आप सब लोग दीजिए, कि मैं चाहती हूँ दिल से कि मेरी शिवी के लिए इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आए, कि लाइक वो बहुत लाइफ में बहुत तरक्की करे और पढ़े लिखे नाम रोशन करे, हमारे लिए कुछ करे ना करे वो अपने लिए बहुत कुछ करे और हेल्दी रहे। सबसे ज्यादा आजकल के टाइम पे यही होता है ना, हमें सबसे ज्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है कि वो हेल्दी है कि नहीं है, क्योंकि इतनी सारी डिजीजेस आ रही है नई नई, और बच्चों को हर चीज से बचाना, हर चीज से, चाहे आप ये कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाहर का जो एटमोसफियर हो गया उन सब चीजों से बचाना, इतना क्राइम हो रहा है उन सब चीजों से बचाना। तो बस आप लोग वो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए कि उन सब चीजों से मेरी शिवी बची रहे, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, यही ब्लेसिंग मेरी बच्ची के लिए सबसे ज्यादा काम आएगी लाइफ टाइम तक के लिए, और बहुत ही खुशी होगी। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज शिखा जी के लिए था, और आई होप कि वो मेरी बात को समझ गई होंगी, अंडरस्टैंड कर गई होंगी, और प्लीज टेक इट पॉजिटिवली यार, आप प्लीज, आप तो समझ आ रहे हो, आप नहीं बुरा मानोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अभी मैं बात करने वाली थी, मेरी एक और सब्सक्राइबर, मेरे साथ इंस्टा पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत फॉलो करते हैं, जो नहीं करता प्लीज वो अपनी बातें रख सकता है और इंस्टा पे फॉलो कर सकता है, इंस्टा मेरी आईडी है स्माइल विद शिवी के नाम से, और मुझे अभी भी नहीं पता उसमें मेरी पिक लगी है या शिवी की, बट शायद मेरी लगी, हाँ मेरी लगी है। तो मुझे फॉलो कर सकता है इंस्टा पे, और अब मुझे मैसेज अगर कोई करना चाहता है तो इंस्टा पे मैसेज करें। ये देखिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर नहीं कर पाती, मगर आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं वहाँ से। तो एक है जो मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, और उनका नाम जो है वो नाम मैं अभी यहाँ बताऊँ ना बताऊँ, चलिए मैं नाम नहीं बताती, क्योंकि यार ऐसे कभी कभी वो समटाइम्स कभी कभी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करती हैं, तो लोग उनको करेंगे। अभी उनकी जो एज है वो 25-26 ऐसी अराउंड है, और उन्होंने मुझसे ये बोला, दी आपकी जोड़ी हमें बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है, और आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपनी जो लव स्टोरी शेयर की, सब कुछ किया, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमें पूछने को भी मन करता है, तो हम पूछना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ पूछो,
तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि एक्चुअल में क्या है कि मेरी शादी के लिए घर पे लड़का भी ढूंढ रहे हैं और मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। मुझे एक लड़का बहुत पसंद है जो कि वेल एजुकेटेड है, अभी उसकी जॉब स्टिल अभी लगी है, 6 महीने हुए हैं और उसकी अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं है, बट ठीक है एज पर जो स्टार्टिंग है वो ठीक है। और लड़के ने जो है वो एम कॉम कर रखा है और अभी जो सैलरी उसकी है वो 25,000 है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नाम ही ले रही तो उसमें सैलरी जो है वो बता दे रही हूँ, तो 25,000। बट मेरी फैमिली जो है वो काफी चाहती है कि मेरा जो पहली बात तो उनकी फैमिली चाहती है कि वो शादी जो है अपनी बिरादरी में करें, दूसरा ये हर पेरेंट्स के पास सपना होता है कि अपनी बिरादरी में ही हो, दूसरा ये कि वो ये चाहते हैं कि लड़का एटलीस्ट कम से कम का घर हो, सेटल हो और अच्छी अर्निंग हो। तो देखिए 25 साल पे खुद का घर होना, सेटल होना और अच्छी अर्निंग होना, सेटल मैं समझ नहीं पाई सेटल क्या हो, खुद का घर अगर वो जैसे बता रही थी कि मैंने पूछा कि आपके इन लॉज जो मतलब होने वाले हैं या हो जाएंगे क्या उनका खुद नहीं, उनका वो खुद का घर है और एक्चुअल में वो जहाँ रहती हैं जिस सिटी की है वो मैं बता देती हूँ कि वो यहाँ पे मेरठ में रहती है और मेरठ की सिटी में खुद का घर उनका खुद का है, कह रही है काफ़ी अच्छा, मतलब उनके लड़के का खुद का घर है और काफ़ी अच्छा है। और वो ये कह रही थी कि सब कुछ अच्छा है बट जॉब जो है अभी वो दिल्ली में ही हुई है, मेरठ से दिल्ली अप डाउन होता है हमारा उनका, और लड़की भी अभी उसकी जो है एक्चुअल में जॉब करने की इच्छा है तो जॉब करना चाह रही है। वो कह रही है कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, अभी मुझे मिली नहीं है, जिस दिन मुझे जॉब मिलेगी तो मैं भी अपना एक अर्निंग मेरा भी सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो वो यही कहना चाह रही थी कि दी एक्चुअल में मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ मगर डरती हूँ, तो ये हर लड़की डरती है, ये बात तो फैक्ट है, मैं भी बहुत डरती थी। और दूसरी बात ये कि वो कहती थी क्या करना चाहिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो एज अ पेरेंट्स अगर पेरेंट्स के साइड से होकर सोचा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सही सोचा है, बट पेरेंट्स ने बोला कि 25 साल की उम्र में सब कुछ ये सारा हो जाना तो वो बहुत डिफिकल्ट है कि कंपटीशन इतना है, सब कुछ इतना है, 25 साल की उम्र में आप कहो कि 50,000 के अबव अर्न करना प्लस होता बहुत लोग करते होंगे बट वो 100 में से 1-2 लोग होते हैं, और एक मिडिल क्लास से निकलना तो उसके लिए स्ट्रगल बहुत होता है। और साथ में ये कि आप उस ये बोलते हो कि उनके पेरेंट्स ने बोला आप गारंटी लो कि वो लड़का बिल्कुल अच्छा निकले, अच्छा तो हम 1-2 दिन में नहीं पहचान सकते, या फिर हमारा जब रिलेशन में चलता है तो हमको 3-4 घंटे के लिए मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उसके घर का एटमॉस्फेयर, उस बंदे का क्या मन में चल रहा है क्या नहीं वो हम नहीं जान सकते, बट जब हम साथ में रहते हैं हम इंसान को तभी ज़्यादा परख सकते हैं, तभी जान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मतलब उन्होंने बोला तो मैंने कहा देखो अपनी फैमिली को कन्विंस करो सबसे पहले, तो ये फैमिली को कन्विंस करो, बिना फैमिली के सपोर्ट के बिना शादी मत करना, फैमिली अगर कन्विंस है तो फिर सब कुछ ठीक है। जरूरी है कि हर बार लाइफ टाइम आपको पार्टनर जो है वो अच्छे मिल जाए, मेरी विशेष हमेशा उनके साथ रहेगी कि अच्छा ही मिले, अच्छा टाइम उनका बीते और अच्छा चले सब कुछ, बट अगर वो चाहती है कि थोड़ा सब कुछ और सेटल हो घर की तरफ से भी तो थोड़ा सा टाइम ले, अभी 25 साल उम्र है, लोग 30 साल तक शादी करते हैं और लड़के की स्टार्टिंग अभी सैलरी है, 2-3 साल और दे थोड़ा और बढ़ेगी, ऑब्वियसली घटेगी तो है नहीं सैलरी, तो आगे प्रमोट होंगे अच्छा होगा और तब फैमिली को आप और अच्छे से समझा सकते हो कि देखो स्टार्टिंग इतनी इससे की थी और आगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको भी एक टाइम मिलेगा, आप भी जॉब स्टार्ट करो आपके लिए भी रहेगा, और तब तक आप उनको और उनकी फैमिली को भी समझो ताकि आप ये श्योर हो जाओ कि हाँ लाइफ टाइम तक क्या मैं इनके साथ या इनकी फैमिली के साथ मैं रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती हूँ। आप मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, तो इस चीज को समझना, और फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, देखिए चाहे वो लव हो या अरेंज हो आगे हस्बैंड वाइफ में कैसा होना है वो तो किस्मत पे ही डिपेंड है। टचवुड मेरे हस्बैंड, मैं सही बताऊँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर चीज में बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली भले माँ बाप कितना भी गुस्सा हो जो भी हो एट द एंड में अगर दोनों होता ना, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का घर उजड़ जाए, चाहे वो उसकी लव मैरिज ही हो, वो यही चाहेगा एट द एंड में पेरेंट्स कि यार चलो इन्होंने शादी कर ली बट उनका घर जो है वो संभला रहे, खुश रहें, जहाँ रहें खुश रहें। तो हम आज खुश हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा खुश होंगे, सही बता रही हूँ, वो हमसे ज्यादा खुश होंगे कि भले वो बोलते ना हो कि हाँ इन्होंने खुश शादी की जो भी है, बट वो हमसे ज्यादा खुश होंगे कि बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। तो इसीलिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो,
एक बार में किसी के कहने पे मत लेना और अपना दिल दिमाग सोचो। अभी बहुत टाइम है, 25 साल की उम्र कुछ नहीं होती, आजकल के टाइम पे लोग 30-30 साल तक शादी करते हैं यार, तो 30 साल की उम्र तक में आप वेट कर सकते हो। और 30 साल तक ना वेट करो, आप 27-28 तक भी वेट करो, 2-3 साल अपना खुद जॉब करो, खुद सेटल हो, और लड़के को भी बोलो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे अंदर ही अंदर पहचानते रहो। दूसरी बात ये कि आजकल तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो साइड बाय साइड आप कराओ। देखो स्ट्रेस की बात, आप उन लड़के को ये भी समझाओ कि आप मेरी फैमिली का भी पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। आजकल लड़के भी लड़कियां भी धोखा देती हैं, है ना बेटा, है ना बेटा, है ना। तो इसीलिए आप दोनों तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, एक दूसरे की फैमिली का, एक दूसरे की फैमिली को समझो और जानो। और देखिए मैं नहीं कहती परफेक्ट फैमिली तो कभी किसी को नहीं मिलने वाली, चाहे कितना भी कर लो, बट इतना है कि हाँ आप लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ अच्छे से खुश रह सकते हो, और कुछ नहीं। आप मेरी शिवी जो है वो बाय करेगी, बाय करेगी, करोगे बाय? शिव बाय कर दो, आप बहुत इतराने लगे हो, मैं प्यार कर लूंगी। हमें ना किसी से प्यार हो गया है दोबारा से, हमें दोबारा से प्यार हो गया, हमें हमें दोबारा से प्यार हो गया, इनसे प्यार हो गया हमें, किस किस के इनसे प्यार हो गया, हमें तो हो गया इनसे प्यार। हम इनके डैडी से रोज कहते हैं, हम कहते हैं बस अब हो गया तुम्हारा प्यार व्यार, अब हमारी हमारी बच्ची आ गई है, हमें प्यार हो गया बस। अरे कल पता है ऐसे ऐसे कर रही थी, रोते रोते ऐसे ऐसे आंख ऐसे ऐसे कर रही थी कि आंसू निकल जाए, नकली वाला रोना, और जब आंसू नहीं निकल पाए तो उसको ऐसे कर रही है, करके दिखा। तो चलिए गाइस, जिनको मैंने बात बोलनी थी उनको बोल दी, और आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे प्रेस कीजिए, बेल आइकन के बेल आइकन पे जब प्रेस करते हैं तो वहां पे ऑल पे जरूर प्रेस कीजिए, तभी नोटिफिकेशन आएगी, तभी मैं जब लाइव आऊंगी तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और किसी ने पूछा था ये पीछे क्या रखा है, तो ये एज अ मैं यही बताऊंगी ऑफिस की तरफ से, वैसे इतना वो नहीं, बट मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देती हूँ, इतना नहीं ध्यान दे। ये मेरे हस्बैंड को ये और ये वाला जो है अवार्ड मिला था ऑफिस की तरफ से, तो ये वो रखा है, इसको हम जो है एक तो हमने फ्रेम करा लिया, दूसरा फ्रेम करा के हम यहाँ पे लगाएंगे, वॉल पे लगाएंगे। और एक मेरा भी रखा, जब मैं अपने ऑफिस में काम करती थी इनके ही साथ, तो मेरे एक या दो रखे मेरे भी रखे, तो उसको भी फ्रेम कराऊंगी। तो ऑफिस टाइम तो अलग ही होता है। और देखिए देखिए किसी लड़की को क्या हो रहा है, ये बेटा ये खाने की चीज है, लीड खाई जा रही है, लीड बच्चों को कुछ भी मिल जाए बस खाना है, शैतानी करनी है, बिल्कुल शैतानी करनी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और प्लीज लाइक कीजिएगा, प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, बाय।